नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बेटे की चाह ने लोगों को अंधा कर दिया है। हालात ये है कि महिलाओं को ज्यादा उम्र में जबरदस्ती मां बनना पड़ रहा है। यहां सैकड़ों महिलाएं हैं जिनके गर्भवती होने की उम्र निकल गई है। उन्होंने कई बेटियों को जन्म दिया है, इसके बावजूद एक बेटा हो जाए इस ख्वाहिश में उन्हें मजबूरन लगातार गर्भवती होना पड़ रहा है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा होता है, लेकिन मानसिकता के चलते लगातार ऐसा हो रहा है। ये चौंकाने वाला सच राजस्थान में PCPND की ओर से कंट्रोल किए जाने वाले आंकड़ों में सामने आया है। भीलवाड़ा को औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाना जाता है, वहीं समाज में एक कोने में भीलवाड़ा की एक छोटी मानसिकता भी नजर आती है। एक महिला ने बताया कि गुलाबपुरा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हूं। मेरी उम्र 14-15 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। अभी मेरी उम्र 50 से 52 की हो चुकी है। मेरी पहले से 6 बेटियां हैं, लेकिन पिछले साल मैं फिर पेट से थी और मुझे बेटी हुई। जितनी बार पेट से हुई सबको लगा कि इस बार लड़का होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुझे फिर से लड़की हुई। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई हूँ। हर साल पेट से होना पड़ता है, शरीर में जान नहीं है, लेकिन घर वालों को कुल का चिराग चाहिए। काफी महिलाएं इतनी परेशान हैं कि समाज के दबाव में बोल भी नहीं पाती है। जयपुर में सरकारी शिक्षक दरिंदा निकला, उस पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने लगा। पढ़ाने के नाम पर बच्चियों को घर पर बुलाता और स्कूल में अच्छे नंबर दिलवाने का झांसा देकर उनके साथ रेप करता। पत्नी को जब इसके पति की इस घिनौनी हरकत की जानकारी हुई तो उसने रोका, समझाया, लेकिन वहशी बन चुका शिक्षक नहीं माना, बल्कि इस बात पर वह अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। परेशान होकर अब पत्नी ने मानसरोवर थाने में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मानसरोवर में स्वर्ण पद पर रहने वाली महिला ने रिपोर्ट में बताया कि पति सरकारी स्कूल में टीचर है। पिछले कुछ समय से स्कूल की लड़कियां घर पर आने लगी थी। पति कम उम्र की नाबालिग लड़कियों को घर पर ही ट्यूशन देने लगा था। इस दौरान आरोपी लड़कियों को स्कूल में अच्छे नंबर का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद वह उनके साथ घर पर गलत काम करता था। इसके बाद पति की करतूतों से परेशान महिला ने मानसरोवर थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। SI वंदना का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी बयान लेने के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने जबरदस्त कोहराम मचाया था। सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही थी। तीसरी लहर की इन्हीं आशंका के बीच एक अच्छी खबर है कि प्रदेश में 76% लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बन चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से पिछले महीने करवाए गए सीरो सर्वे में आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बता दें कि सीरो सर्वे में ब्लड टेस्ट के जरिए देखा जाता है कि कितने लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है। इससे ये पता चलता है कि कितनी आबादी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, यानी सीरो प्रिवलेंस है। कोलारी थाना क्षेत्र के गांव पोराव में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने 40 वर्षीय महिला को आग लगा दी। आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। गांव पोराव में चंद्रपाल पुत्र नथी ठाकुर और संतोष पुत्र मुक्ता ठाकुर ने पुरानी जमीन विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों में लोग आमने सामने हो चुके हैं। शिवनारायण सिंह ने बताया कि बुधवार को उनकी 40 वर्षीय बहन गुड्डी पत्नी बसंत ठाकुर पर आरोप पक्ष संतोषी ठाकुर ने लोगों ने धावा बोल दिया। आरोपी ने मारपीट कर महिला को आग लगा दी, जिसे गंभीर रूप से झुलस गई। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने गंभीर अवस्था में महिला को जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया है। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपी के खिलाफ कवराली में थाना पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने महिला के बयान लेकर आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व इसी परिवार के दूसरे पक्ष के गोविंद सिंह और उनकी भतीजी पर चंद्रपाल पुत्र नथी ठाकुर के द्वारा खौलता ऑयल फेंक दिया गया था, जिसे चाचा और भतीजी बुरी तरह से झुलस गए थे। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा निर्णायक मैच आज कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी बल्लेबाजी है। 9 खिलाड़ियों के आइसोलेशन में जाने के बाद टीम के पास सिर्फ 5 बल्लेबाज ही बचे हैं। कप्तान शिखर धवन को इस मैच में भी उन्हीं के साथ उतरना होगा। वहीं पिछले मैच में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोटिल हो गए थे। इसकी वजह से अर्शदीप सिंह या ईशान पौरेल ने
किसी एक को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार छठी द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तक एक बार भी श्रीलंका के द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच इससे पहले 7 टी20 सीरीज खेली गई है। इसमें भारत ने 6 सीरीज जीती है। 2009-10 में हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। इसके बाद से टीम इंडिया ने सभी सीरीज जीती है। इधर भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है। उसने 24 जुलाई 2019 से लेकर अब तक 29 मैच खेले हैं। इनमें से 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है। टीम को 7 मैचों में हार मिली और 2 मैच टाई रहे। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। टीम इंडिया अपने पिछले 6 टी20 मैचों में से 4 मैच जीत चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।